हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में हमारा लेसन 7 चल रहा था। मैंने आपको उसकी रीडिंग स्टार्ट कराई थी, मैंने आपको वन पेज रीड करा दिया था। इसमें हमने कंसेप्ट ऑफ फैमिली ये रीड कर लिया था और फैमिली के टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन सी थी? स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, स्मॉल फैमिली बताया था मैंने, जिसमें ओनली पेरेंट्स और चिल्ड्रन होती है वो होती है स्मॉल फैमिली, और जिस फैमिली में पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो होती है लार्ज फैमिली, और जिसमें सभी अंकल आंट कजिन ये सब होते हैं तो वो होती है ज्वाइंट फैमिली। क्लियर? तो इसमें आपको फैमिली के बारे में पढ़ाया था। आगे हम पढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग द रिलेशन। जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे अलग अलग वहां पर एक दूसरे से रिलेशन होते हैं। इन अ फैमिली एवरी मेंबर इज रिलेटेड टू अदर्स। फैमिली में सभी मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेट अस नो अबाउट द फैमिली रिलेशनशिप। चलिए सभी फैमिली के रिलेशनशिप को जानते हैं। मैं थोड़े से रिलेशनशिप आपको कॉपी में लिख कर दूंगी या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया है बुक में, द पेरेंट्स ऑफ योर फादर एंड मदर, जो आपके पेरेंट्स के फादर मदर होते हैं वो आपके कौन कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। अगर आपसे सिंपल ऐसे पूछे कि फादर्स फादर कौन होते हैं तो ग्रैंड फादर, फादर्स मदर कौन होती है? ग्रैंड मदर। लेकिन पेरेंट्स के ग्रैंड मतलब फादर मदर दोनों कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे मदर फादर पेरेंट्स होते हैं, ऐसे ही मदर फादर के पेरेंट्स होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। यू आर देयर ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, इफ योर मदर हैज अ ब्रॉदर, अगर आपकी मदर का एक ब्रॉदर है, ही इज योर मैटरनल अंकल। तो इसे आप सिंपल अंकल भी याद कर सकते हैं, मैटरनल ना पढ़कर। मतलब आपके फादर्स के ब्रदर होते हैं वो भी अंकल होते हैं, और मदर्स के ब्रदर होते हैं वो भी अंकल होते हैं। इफ योर फादर हैज अ ब्रदर, ही इज योर अंकल। वही सेम बात आगे जो मैंने अभी आपको समझाई। आगे, इफ योर मदर्स और फादर हैज अ सिस्टर, शी इज योर आंट। मतलब आपकी मदर की सिस्टर हो या फादर की सिस्टर हो, मींस आपकी जो बुआ होती है वो फादर की सिस्टर होती है, मौसी होती है वो मदर की सिस्टर होती है, दोनों की कोई हम क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। ठीक है, रिमेम्बर योर आंट्स हस्बैंड इज आल्सो योर अंकल। मतलब आंट के जो हस्बैंड होते हैं मींस आपके या तो फुफा जी या मौसा जी, उनको भी हम अंकल ही कहते हैं। इफ योर अंकल एंड आंट हैव चिल्ड्रन, दे आर योर कजिन्स। जो आपके अंकल आंट के बच्चे होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कजिन्स कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ दिया है फैमिली ट्री। अ ट्री हैज मैनी ब्रांचेस इन द सेम वे अ फैमिली हैज मैनी मेंबर्स। जैसे ट्री एक होता है, ट्री किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा प्लांट होता है उसकी बहुत सारी ब्रांच होती है। उसी तरह फैमिली में भी बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं। अ फैमिली ट्री रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। दिस ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, जैसे आप एक फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है, आपके लिए एक्टिविटी है कि आप एक फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री कैसे बनेगा? आप एक ओनली सिंपल ट्री की शेप बनाएंगे कॉपी में, ठीक है, लाइक ऐसे। मैं आपको बता देती हूँ, देखो जैसे हम सिंपल अपनी कॉपी में, आप ईवीएस की कॉपी में ही बना सकते हैं इसको, ऐसे सिंपल एक ट्री की शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल ऐसे ट्री ड्रॉ करा। इसमें आप ब्राउन कलर कर लेंगे। अब यहां पर आप सबसे ऊपर लगाएंगे ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो, या जो भी आपकी फैमिली में हो, आप जितने भी मेंबर्स हो फैमिली में उनकी लगा सकते हो। यहाँ लगा दी हमने सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स, और यहाँ आप अपना फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के बाद उनके नीचे आप लिखेंगे, जैसे ग्रैंड फादर है, दादाजी हैं उनको ग्रैंड फादर लिख देंगे नीचे, दादी जी हैं उनको ग्रैंड मदर, पापा को फादर, मम्मा को मदर, और अपने आप को यहाँ पर लिखेंगे मी। ठीक है, और बाकी बचे हुए पोर्शन में आप ग्रीन कलर कर देंगे। ट्री ग्रीन कलर का होता है ना, तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई एक तरीके से। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे फैमिली ट्री, आपकी फैमिली में जो जो भी हैं आप उनके यहाँ पर फोटोज लगाकर छोटे पासपोर्ट साइज के आप एक फैमिली ट्री बना लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्टिविटी। दूसरा जो मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ वो आपको पढ़नी है। ठीक है,
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक ट्री बनाया हुआ है ना। तो इस तरीके से आप मतलब यहाँ तो ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स दिया है, यहाँ पेरेंट्स दिया है, पेरेंट्स के नीचे यहाँ पर अपना फोटो लगाया है। तो अगर आपके अंकल आंट साथ में रहती हैं तो आप अंकल आंट का भी पेरेंट्स के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो स्पेस के अकॉर्डिंग है, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में जो जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये फैमिली ट्री बनाएंगे। व्हेन योर ब्रदर सिस्टर और कजिन मैरिज अ न्यू रिलेटिव इज एडेड टू योर फैमिली। तो फैमिली मतलब जो और बढ़ती जाती है फैमिली, उन्हीं के हिसाब से है कि आपके कजिन्स की भी मैरिज हो गई हो, वो भी आपके साथ में रह रही हो। लर्निंग इन अ फैमिली, आप फैमिली में क्या सीखते हैं। योर पेरेंट्स हैड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजें आपके ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी हैं। अ फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड, फैमिली जो है वो बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल होती है। वी लर्न मैनी थिंग्स इन आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इफ वी हेल्प अवर पेरेंट्स इन वेरियस एक्टिविटीज देन वी कैन लर्न अ नंबर ऑफ गुड थिंग्स, अगर हम अपने पेरेंट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज में उनकी हेल्प करते हैं तो हम भी कुछ अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं। इफ अ गर्ल हेल्प्स हर मदर इन द किचन, जैसे जो गर्ल होती हैं वो अपनी मम्मा की हेल्प करती हैं किचन में, देन शी कैन इजिली लर्न द मेथड ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग द फूड, और इससे वो बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ये काम सीख पाती हैं कि मम्मा फूड कैसे सर्व कर रही हैं, मम्मा कैसे फूड को प्रिपेयर कर रही हैं, है ना। तो ये चीजें हमें कहाँ से सीखते हैं, हम ये सब अपनी फैमिली से सीखते हैं। ओके तो आज बच्चों मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, हमारे यहाँ पर 2 पेज हो गए, पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30। अभी हमारा चैप्टर कम्प्लीट नहीं हुआ है रीडिंग के लिए, मैंने इसमें आपको वर्क दे दिया है कि आपको एक फैमिली ट्री बनाना है और कुछ रिलेशनशिप मैं आपको कॉपी में लिख के दूंगी, वो भी आप अपना चैप्टर 7 डालकर आप उसमें नोट डाउन कर लेंगे। आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, क्योंकि एक साथ मैं सारा आपको रीड करा दूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।